विवाद पर बड़ा फैसला लिया गया है। डोकलाम से भारत और चीन दोनों ही देशों की सेनाएं हटेंगी। तो बड़ा फैसला, डोकलाम से भारत और चीन की सेना हटेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। तो बातचीत के जरिए इस पूरे विवाद का हल निकला और दोनों ही देशों ने अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटाने का फैसला किया है और वहां से अब डोकलाम विवाद सुलझता नजर आया। तो बड़ा फैसला इसमें लिया गया, डोकलाम से भारत और चीन की सेना हटेगी। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। अगले ही हफ्ते प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं और उनके दौरे से पहले यह बड़ा फैसला लिया गया डोकलाम विवाद पर। तो दोनों ही देशों की सेनाएं वहां से हटेंगी, इसको लेकर पिछले काफी समय से विवाद लगातार जारी था और विदेश मंत्रालय का ट्वीट इस पर किया गया है। ट्वीट किया गया है प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के रविश कुमार, उनकी ओर से कि डोकलाम में आमने सामने तैनात दोनों पक्षों ने सीमा सुरक्षा बल को वहां से हटाने का फैसला किया है। तो यह जानकारी दी गई विदेश मंत्रालय की ओर से कि दोनों पक्षों ने सीमा सुरक्षा बल को वहां से हटाने का फैसला कर लिया है। तो चीन की हर तरीके से कोशिश थी भारत पर दबाव बनाने की, लेकिन भारत शांत रहा, उकसावे की किसी भी बयानबाजी से बचता रहा और यहां पर अंततः सफलता हाथ लगी। भारत के डोकलाम में आमने सामने तैनात दोनों पक्षों ने सीमा सुरक्षा बल को वहां से हटाने का फैसला किया है। यह विदेश मंत्रालय की ओर से यह ट्वीट किया गया, यह बड़ी जानकारी साझा की गई। तो डोकलाम से भारत और चीन की सेना हटेगी, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले यह बड़ा फैसला लिया गया है दोनों ही देशों की ओर से और दोनों ही देशों की सेना वहां से हटेगी। डोकलाम विवाद पर यह बड़ी खबर, यह बड़ी जानकारी, डोकलाम से भारत और चीन की सेनाएं हटेंगी, बड़ा फैसला लिया गया है दोनों ही देशों की ओर से। तो विदेश मंत्रालय ने भी पुख्ता कर दी ये खबर और उसमें जानकारी दी साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की ओर से ट्वीट करके कि डोकलाम विवाद में ये बड़ा फैसला लिया गया है, दोनों देशों की सेना वहां से हट जाएगी। तो बड़ी जानकारी आ रही है, अगले ही हफ्ते प्रधानमंत्री चीन जाने वाले हैं। हालांकि लगातार इस विवाद पर चीन बौखलाए रहा और बेतुका बयान देता रहा। तो अभी ताजा मामला गुरमीत राम रहीम का, इस मामले को लेकर भी चीनी मीडिया ने डोकलाम में सीमा विवाद के मुद्दे को उठाकर यह बात रखी थी, ये उकसावे की बयानबाजी की थी। तो डोकलाम विवाद क्या है यह भी आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। चीन की दादागिरी के बाद भूटान ने भारत से मदद मांगी थी और भारत ने भूटान की मदद के लिए सैनिकों की तैनाती वहां पर की थी। डोकलाम एक पठार है जिसे भूटान और चीन दोनों ही अपना क्षेत्र मानते हैं। भौगोलिक रूप से भी देखें तब भी यह विवादित क्षेत्र हो जाता है। चीन की दादागिरी के बाद भूटान ने यहां पर मदद मांगी थी। तो डोकलाम से भारत और चीन की सेना हटेगी, एक बड़ी जानकारी यहां पर आई, एक बड़ी खबर यहां पर आई। तो दोनों ही देशों के लिहाज से एक बड़ी खबर और सकारात्मक रुख इस पूरे मामले में भारत का रहा, कड़ा रुख रहा। पीछे हटने को भारतीय सेना कभी तैयार नहीं हुई, हालांकि कोशिश लगातार चीन की ओर से होती रही। कभी बेतुका बयान दिया गया, कभी उकसावे वाला बयान दिया गया, कभी मनोवैज्ञानिक यहां पर दबाव बनाने की कोशिश चीन की ओर से की गई, लेकिन हर बात का जवाब भारत ने बेहद ही शांत तरीके से बेहद समय लेकर दिया, लेकिन उकसावे वाले बयान से भारत बचता रहा, उकसावे वाली कार्रवाई से भारत बचता रहा।